let's proceed ahead with your HR mock for BDL. So Bharat Dynamics Limited and we initiate with your HR. So आप अपने बारे में briefly बताइए सुभाष. Tell us about you first. Yes, sure, sir. As you just mentioned, my name is Subhash Singh, and I basically belong to Udhamsinagar district in Uttarakhand. And I have done my schooling from my native place itself. And after that, I did my engineering in electronics and communication branch from Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology, Patnagar. And after that, sir, I have qualified GATE exam 2 times. And subsequently, I am pursuing M.Tech program from Motilal Nehru and National Institute of Technology, Allahabad. And sir, my hobbies are listening inspirational Hindi songs and playing cricket. Yeah, sir, that's all about it. आपका favorite inspirational Hindi song कौन सा है? Sir, जैसे कोई मतलब पर्टिकुलर फेवरेट सॉन्ग नहीं है, जैसे रिसेंट में आते रहते हैं सॉन्ग्स तो मैं सुनता रहता हूँ. जैसे मोस्टली जिसको मैं सुनता हूँ, जैसे एक संजू मूवी का सॉन्ग है सर, कर हर मैदान फतेह हो बंदिया. आई लिसन दैट सॉन्ग मोस्टली. और अनदर इज सर एक लक्ष्य मूवी का सॉन्ग है कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है. एंड सर कुछ अदर सॉन्ग भी हैं जिसके अलावा मैं सुनता हूँ. अभी 1983 मूवी आई थी, उसमें भी सॉन्ग है कोई इंस्पिरेशनल? 1983 सर आई डिडंट सी दैट मूवी एक्चुअली, सो आई डोंट नो. चक दे इंडिया में? या चक दे इंडिया इज अ सॉन्ग, वेरी पॉपुलर सॉन्ग. ओके, सो सुभाष मेरे को बीडीएल के बारे में कुछ बताइए. BDL के बारे में आप क्या जानते हैं? BDL भारत डायनामिक लिमिटेड, इसका सर जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ मिश्रा है. BDL कंपनी बेसिकली वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 16th of July 1970 एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस and government of India to be the manufacturing base for the guided missile system and the allied equipment for the Indian Armed Forces. And BDL company has been collaborating with the DRDO and foreign original equipment manufacturer to manufacture the missile system and to supply the various missile equipment to the armed forces. इसके अलावा सर जो BDL कंपनी है उसके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आउट ऑफ विच 3 इन तेलंगाना स्टेट. फर्स्ट वन इज इन कंचनवाद, द सेकंड वन इज बनूर, एंड सर थर्ड वन इज इन इब्राहिमपट्टनम, एंड सर फोर्थ यूनिट जो है इसकी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. और एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन BDL कंपनी इज गोइंग टू सेटअप a new unit in Amravati, Maharashtra. और सर इसके अलावा अभी रिसेंटली ही BDL कंपनी ने सर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 250 एकड़ लैंड BDL कंपनी को लीज पर देगी, इनिशियली फॉर द 30 ईयर्स, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेबल अप टू द 90 ईयर्स. ऑन द डेट ऑफ this MOU the BDL company would be manufacturing propulsion system in the Jhansi unit. Basically BDL company is going to set up a 6th unit apni Jhansi mein set up karne ja rahi hai. To isme jo BDL ke chairperson hai unhone kaha tha ki jo Jhansi unit hai wahan pe wo propulsion system ko manufacture karegi jiska use wo various missile system mein karenge. जो भी कंपनी सुभाष ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में सुना है आपने? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री? यस सर मैंने सुना है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है, क्या रिलेशन है BDL का और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का? बेसिकली रिलेशन तो सर ऐसा कुछ मुझे ये BDL कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है?
अच्छा सर बीडीएल कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कोई डिपार्टमेंट भी है जिसके अंदर ही आता है सॉरी सर इसके अलावा सर मुझे साइट्स पे तो कोई अच्छा हमारे मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं सर हमारे मेन प्रोडक्ट्स सर बीडीएल कंपनी सर बेसिकली स्टार्ट विद फर्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और नाउडेज इट मैन्युफैक्चरिंग मेनी मिसाइल सिस्टम लाइक सरफेस टू एयर मिसाइल्स में सर आकाश से अपन Yes, sir. Okay. Audible. Good. Sir, इसकी मैं बता रहा था सर कि क्या क्या प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग करती है तो सर मैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स में सर आकाश वेपन सिस्टम था एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम में अस्त्र वेपन सिस्टम था एंड एयर टू सरफेस वेपन में सर वी हैव टू मिसाइल सिस्टम फर्स्ट वन इज हेलिना सेकंड वन इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और इसके अलावा सर कुछ ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी बनाती है जैसे कि मैन पोर्टेबल ATGM हो गया और अमोगा हो गया नाल मिसाइल सिस्टम इज देयर एंड सर कॉन्कोरस एम है एंड पिनाका का नाम सुना है पिनाका 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 सुना आपने सॉरी सर आई डिडंट लिसन अच्छा सुभाष मेरे को ये बताओ BDL में इंटरेस्टेड क्यों हो आप सर BDL एक्चुअली सर आफ्टर द ग्रेजुएशन आई रियली इंटरेस्टेड टू गो इन द PSU और सर राइट नाउ आई एम डूइंग एमटेक इन अ जॉइंट फैमिली ब्रांच आई एम रियली इंटरेस्टेड इन द रिमोट सेंसिंग एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन आल्सो क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो मेरे कोर के हैं इंटरेस्ट के हैं और इसके अलावा सर वी ऑल्सो नो दैट द BDL कंपनी एज अ PSU है तो इट प्रोवाइड अ डिसेंट सैलरी टू देयर एम्प्लॉइज and this is also the reason iske alawa sir iska jo work culture hai kafi acha hai yeah these are the reasons that why I want to go for the BDL okay aap suitable mante hain apne aap ko is job ke liye yeah sir I'm very suitable for this job I have qualified the first stage of this recruitment process and actually sir I earned this place to give the interview not just by luck So I think I'm capable for this job. Okay, so let me give you the feedback now, Subhash. Subhash, ये बाकी knowledge जो है ना BDL का एक बार website को आप देख ही लो आपने knowledge acquire किया भी है. There is no trouble. I think that is good. वो आपसे जानना चाहेगा कि आपको interest क्यों है BDL में. एक तो defence का PSU है. PSU तो है ही. Defence का भी PSU है. तो maybe अगर आप उसके साथ कहीं link बिठा पाएं. आप उत्तराखंड से हैं ना? Yes, sir, मैं उत्तराखंड से हूँ उत्तराखंड से बहुत लोग डिफेंस सर्विसेज को पसंद करते हैं और डिफेंस से लेके बहुत ज्यादा यूनिट्स देहरादून वगैरह में के बाकी जगह डिफेंस का बहुत ज्यादा है वहां पे उत्तराखंड के अंदर सो DRDO हो गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गया NDA हो गया सो ये सब चीज वहां पे है तो कहीं ना कहीं सर मेरे को इंजीनियरिंग के बाद आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द बेस्ट जॉब विच इज PSU एंड आई हैड इंक्लिनेशन फॉर डूइंग जॉब इन डिफेंस सर्विसेज ऑल्सो सो This is because of prestigious defense PSU, and hence I am very much interested to do job in this public sector. तो आपके पास एक reason होना चाहिए कि आप इस PSU में क्योंकि PSU तो बहुत से हैं एक नहीं है बहुत से PSUs हैं वो ये देना चाहते हैं कि आपको interest BDL में क्यों है वो एक interest आपका check करेंगे आपका knowledge के base पे BDL के और दूसरा check करेंगे कि आप BDL के बारे में क्या बोलते हैं आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ढंग से ढूंढ लेना और दूसरा इसकी हायरार्की देख लो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन से डिफेंस में आता है डिफेंस प्रोडक्शन डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन है कौन सा डिपार्टमेंट पहले मिनिस्ट्री आती है फिर डिपार्टमेंट आता है फिर पब्लिक सेक्टर उसके अंडर आते हैं तो एक हायरार्की देख लो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे जाओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे जाओगे वहां ये सब कुछ मेंशन होगा DRDO फैक्ट्री फिर आपका ये जो BDL है
सो सारे के सारी चीजें वहां पर मेंशन होती हैं। बीडीएल का मेन प्रोडक्ट क्या है, क्या हम बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें, और कहाँ पे बीडीएल का आपको नियरेस्ट सेंटर पड़ेगा उत्तराखंड पे, उत्तराखंड में बीडीएल का कोई सेंटर है कि नहीं, ये चीजें आप थोड़ा सा अपना गैदर कर लें। और बाकी आपका जो नॉलेज है आपका अपना इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो उसको लिंक करेगा, उसमें से क्वेश्चन पूछने की ट्राई करेगा सुभाष, राइट? ओके सर। सर आप जो बीडीएल का डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करने वाले थे, बट अभी साइट पे आया नहीं है। हाँ हाँ, बीडीएल का डॉक्यूमेंट मेरे को लगता है प्रोवाइड हो जाएगा आपको एक दो दिन में, राइट? मे बी कल तक आपको मिल जाएगा बीडीएल का डॉक्यूमेंट, उसको गो थ्रू कर लेना, राइट? यस सर। सर बेसिकली सर मुझे जो प्रॉब्लम लगती है कि उनको जस्टिफाई करना कि कहाँ आ रहे हैं, तो मतलब इसमें मैं थोड़ा एग्जैक्ट आंसर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ सर। किस चीज के लिए? कि मतलब बीडीएल ज्वाइन क्यों करना है इसके लिए? ये पब्लिक सेक्टर है और डिफेंस का पब्लिक सेक्टर है सर, बेस्ट जॉब्स है ये, और जो भी आप काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आप कंट्री के डिफेंस के लिए आप वर्क कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन है। आपको पहले खुद को कन्विंस करना पड़ेगा क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप, और फिर अगर आप कन्विंस हो जाएंगे तब आप उनको भी कन्विंस कर पाएंगे। उसमें दो ही पॉइंट है, एक तो पब्लिक सेक्टर की जॉब है जो पब्लिक सेक्टर में सेटिस्फेक्शन है, नंबर टू ये डिफेंस बेसिकली डोमेन से डील करता है, इसकी जो भी प्रोडक्शन है वो कुछ ऐसी है जो कंट्री की डिफेंस में कंसोलिडेट करती है, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। यू आर मैन्युफैक्चरिंग मिसाइल सिस्टम्स, इंडिया का मिसाइल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इंटीग्रेटेड गाइडेड डिफेंस मशीन। और इसका आंसर आपको कहां से मिलता है, जो आप वेबसाइट जाओगे ना बीडीएल का, वो किस चीज में विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस चीज में काम कर रहे हैं, तो वहां से भी आइडिया लगता है कि इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूं कि वो आप उस डोमेन में काम करें, तो जो आप फील करेंगे वो चीज कि हाँ मेरे को लगता है ऐसा, यही आंसर में डालना होता है बस। आप एक बार उसका वेबसाइट भी विजिट करें, वहां से आपको मिल जाएगा कि व्हाट दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स, व्हाई दे आर स्पेशल, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वही चीज आप बोल देना कि सर बीडीएल जो है वो इस डोमेन में काम कर रहा है जो वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक डोमेन है। देयर आर सो मेनी पीएसयूज, बट सर सम पीएसयू लाइक बीडीएल दे आर वर्किंग इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक डोमेन्स रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ये आपने बोलना है वहां पे, राइट? ओके सर।